रईस की कहानी गुजरात के एक तस्कर से प्रेरित है। हालांकि फिल्म से जुड़े लोग इसे नकारते हैं, शायद उन्होंने किरदार और कुछ वास्तविक घटनाओं को लेकर कुछ कल्पना के रेशे अपने तरफ से डाल दिए हैं। फिल्म की कहानी 80 के दशक में सेट है, जब टीवी ब्लैक एंड व्हाइट से रंगीन हो रहा था। रईस बेहद गरीब परिवार से है। उसकी माँ की बात कोई धंधा छोटा या बुरा नहीं होता उसके दिमाग में बैठ जाती है। बचपन से ही वह शराब की बोतल एक जगह से दूसरी जगह ले जाना शुरू कर देता है। जवान होते ही वह खुद का धंधा करने की सोचता है ताकि ज्यादा माल कमा सके। देखते ही देखते नेताओं और पुलिस के संरक्षण में रईस खूब पैसा कमा लेता है। पुलिस ऑफिसर मजबूदार, बेहद ईमानदार और अवैध शराब का व्यापार करने वालों का काल है, लेकिन रईस उसके हाथ नहीं लगता। पैसा कमा कर रईस रॉबिनहुड जैसा व्यवहार करने लगता है। इससे उसकी लोकप्रियता बढ़ जाती है और वह नेताओं की आंखों की किरकिरी बन जाता है। धीरे धीरे रईस को समझ आता है कि वह नेताओं के हाथ की कठपुतली भी बन गया है। मुसीबत में घिरे रईस से ऐसी गलती हो जाती है कि मजमूदार उसकी जान के पीछे पड़ जाता है। फिल्म की स्क्रिप्ट में दर्शाया गया है कि किस तरह नेता और पुलिस अपने हित साधने के लिए रईस जैसे अपराधियों का भी इस्तेमाल करते हैं। इसे शराबबंदी, दंगों और बम ब्लास्ट से जोड़ा गया है। बॉलीवुड में इस तरह की कई फिल्में आ चुकी है, लेकिन रईस की स्क्रिप्ट इस तरह लिखी गई है कि दोहराई गई चीजों को एक बार फिर स्क्रीन पर देखना अच्छा लगता है। कई उतार चढ़ाव स्क्रिप्ट में दिए गए हैं जो दर्शकों की फिल्म में रुचि बनाए रखते हैं। बॉलीवुड कमर्शियल फिल्मों के मसाले यहाँ संतुलित नजर आते हैं। जोरदार संवाद, एक्शन, हीरो की अकड़, चोर पुलिस का खेल फिल्म को रोचक बनाते हैं। फिल्म में कई ऐसे सीन हैं जिन पर तालियां और सीटियां बजती है। मसलन रईस की एंट्री, मजमूदार की एंट्री, मजमूदार और रईस के बीच डायलॉग बाजी, लैला गाने के बीच दिखाए गए एक्शन दृश्य, रईस के बचपन के दृश्य, मजमूदार द्वारा रईस का ट्रक पकड़ना और उसमें से चाय का गिलास निकलना, जयराज की घड़ी रईस द्वारा लौटाना जैसे कई दृश्य फिल्म को लगातार धार देते रहते हैं। फिल्म के एक्शन सीन भी जबरदस्त हैं। हालांकि खून खराबा ज्यादा है, जिसे कुछ दर्शक ना पसंद भी करें, लेकिन एक्शन दृश्यों के लिए सिचुएशन अच्छी बनाई गई है। फिल्म का पहला हाफ शानदार है। तेज गति से भागती फिल्म और रईस का किरदार छाप छोड़ता है। चोर पुलिस का खेल रोचक लगता है, लेकिन सेकंड हाफ में कहीं कहीं फिल्म खींची हुई लगती है, जब रईस अपने आप को मसीहा बनाने की कोशिश करता है। यहाँ पर फिल्म ट्रैक से छूटने लगती है। रईस का रोमांटिक ट्रैक कमजोर है। यह फिल्म में नहीं भी होता तो खास फर्क नहीं पड़ता। शायद शाहरुख खान रोमांस के बादशाह कहलाए जाते हैं, इसलिए रोमांस को महत्व दिया गया है, लेकिन यह अधूरे मन से रखा गया है। गाने चूंकि लोकप्रिय नहीं है, इसलिए फिल्म देखते समय व्यवधान उत्पन्न करते हैं। अच्छी बात यह है कि इन स्पीड ब्रेकर्स के बीच अच्छे दृश्य आ जाते हैं और फिल्म को संभाल लेते हैं। कुछ लोगों को यह भी शिकायत हो सकती है कि एक अपराधी को फिल्म महामंडित करती है, हालांकि मनोरंजन की आड़ में यह बात दब जाती है। फिल्म का निर्देशन राहुल ढोलकिया ने किया है। फिल्म की कहानी साधारण है, लेकिन राहुल का जोरदार प्रस्तुतिकरण फिल्म को देखने लायक बनाता है। कहानी 80 के दशक की है, इसलिए राहुल ने कहीं कहीं अपना प्रस्तुतिकरण उस दौर की फिल्मों जैसा भी रखा है। सुपरस्टार की छवि को देखते हुए और उनके प्रशंसकों को खुश करने के लिए राहुल ने रईस के किरदार पर काफी मेहनत की है। उनकी यह कोशिश कामयाब भी रही है कि फिल्म देखने के बाद दर्शकों को रईस याद रहता है। शाहरुख की खासियत को निर्देशक ने बखूबी उभारा है। फिल्म के संवाद शानदार हैं। राम संपत का बैकग्राउंड म्यूजिक उल्लेखनीय है। गाने जरूर कमजोर हैं। पुराने गाने लैला में अभी भी दम है और यही ऐसा गीत है जो देखने और सुनने में अच्छा लगता है। फिल्म की सिनेमाटोग्राफी बहुत बढ़िया कही नहीं जा सकती है। शाहरुख खान बहुत दिनों बाद देशी फिल्म में नजर आए हैं। वे अक्सर उन किरदारों में अच्छे लगते हैं जिसमें ग्रे शेड्स होते हैं। यहाँ पर शाहरुख अपने अभिनय और स्टारडम के बल पर पूरी फिल्म का भार उठाते हैं। पठानी सूट, चश्मा, आंखों में काजल और दाढ़ी उनके किरदार पर सूट होती है। बनिया का दिमाग और मियां भाई की डेयरिंग उनके अभिनय में झलकती है। माहिरा खान दिखने में औसत है, लेकिन उनका अभिनय अच्छा है। पुलिस ऑफिसर के रोल में नवाजुद्दीन सिद्दीकी का अभिनय जबरदस्त है। खास तौर पर उनके संवाद बोलने की शैली दाद देने लायक है। वे स्क्रीन पर जब भी आते हैं छा जाते हैं। रईस की कहानी रूटीन जरूर है, लेकिन इसमें दर्शकों को खुश करने का भरपूर मसाला है। इस फिल्म को मैं 5 में से 3.5 स्टार देता हूँ।